छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने 7 दिन बाद सीएम कौन होगा इसको लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री तय किया गया है। विधायक दल की बैठक में इस नाम पर मुहर लगी। जैसे उनके नाम का ऐलान हुआ, बधाई देने वालों का तांता लग गया है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जो सीएम की रेस में शामिल थे, उन्होंने भी विष्णुदेव साय को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, कुनकुरी विधायक व आदिवासी नेता विष्णुदेव साय जी को आज विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ महातारी की सेवा का दायित्व प्राप्त होने पर अशेष शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम सभी पूर्ण निष्ठा के साथ भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को पूरा करते हुए प्रदेश में प्रगतिशील परिवर्तन लाने में सफल होंगे तथा भाजपा के डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ दोगुनी रफ्तार से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसके अलावा कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा कि कुनकुरी विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता श्री विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो विष्णुदेव साय के सीएम बनने के बाद से लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं, साथ उनका नाम सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड भी कर रहा है। साय छत्तीसगढ़ के लिए कितने बेहतर साबित होंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। और साथ ही हम आपको बता दें कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से अब दूसरे आदिवासी सीएम बनने का खिताब जो है वो विष्णुदेव साय को मिलने वाला है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहिए एबीपी लाइव। Oh, 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 oh,